Have you seen a Western festival celebrated in Arabic way? A desert transformed into a high-tech city only to host a mega sport event of the West. Can money do all of that, or is it just a hoax? Hello everyone, welcome to another video of About Now. Money can buy everything. ये सेंटेंस सुना बहुत बार था, but the whole world witnessed it जब कतार में FIFA वर्ल्ड कप होस्ट हुआ. Now the question is, FIFA कतार कैसे आ गया? एक छोटा सा मिडिल ईस्टर्न कंट्री कतार with a population of only 3 million people spent over $220 billion on it. यानी सिर्फ FIFA वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए 20,000 करोड़ डॉलर्स खर्च कर दिए. क्या FIFA वर्ल्ड कप होस्ट करने में इतनी ही इन्वेस्टमेंट होती है? Let's take a look at how much the hosts of last 3 World Cup had spent. In 2018, Russia spent $16 billion. In 2014, Brazil spent $19.7 billion, and in 2010, South Africa had spent $7.2 billion. Yani Qatar spent 10 times more than previous host Russia. That's because इससे पहले Qatar didn't even have a single international standard football stadium. Stadium तो दूर, उनकी football team भी कैसी है, we all know that. बेसिकली अमीर ऑफ कतार हैड अ विजन, और उस विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए एक हाई ऑक्टेन इवेंट को कतार लाना जरूरी था, जिसमें कतार बिकम्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द एंटायर वर्ल्ड. एंड व्हाट कैन बी बेटर देन फीफा वर्ल्ड कप फॉर दैट. सो फाइनली दिसंबर 2010 में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का होस्ट कतार को अवॉर्ड किया गया. ये तो हो गया, बट अब इससे बड़ा चैलेंज सामने था. इन 12 सालों में बहुत कुछ डेवलप करना था. एक डेजर्ट को आबाद करना था, फुटबॉल स्टेडियम्स बनाने हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेट्रो ट्रेन्स बनानी है, रोड्स बनानी है, टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट्स बनानी है, टूरिस्ट के लिए होटल्स बनाने. ये सब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था. यानी इसको ये बनाना था. एंड दे प्रूव्ड इट कि दुनिया में कोई अगर ये कर सकता था तो वो सिर्फ कतार है. लेकिन चैलेंजेस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रेपरेशन के ही नहीं थे. पॉलिटिकल चैलेंजेस वर टफर. वेस्ट से खींच के एक ह्यूमंगस ग्लोबल इवेंट अरब में लाया गया, तो वेस्ट का एग्रेशन तो था ही, प्लस कतार के नेबरिंग अरब फ्रेंड्स टर्न देयर बैक ऑन देम. यहाँ तक के एट वन स्टेज सऊदी अरेबिया एंड यूएई कतार को मिटा देना चाहते थे. कतार के एयर स्पेस बंद कर दिए, रोडवेज बंद कर दिए, ट्रेड बैन की एंड व्हाट नॉट. यही नहीं, दे फोर्स द अदर एलाइड कंट्रीज टू डू द सेम. वेल, नॉट सरप्राइज इनफ बिकॉज इस वक्त यूएई और सऊदी अरेबिया इसराइल के बहुत करीब हो चुके थे. शायद यही वजह थी इनकी कतार के अगेंस्ट अग्रेशन की. कतार डिस्प्लेड ग्रेट पॉलिटिकल मैच्योरिटी टू टैकल ऑल ऑफ दैट. वेस्ट के फेस्टिवल को एक अरब मुस्लिम कंट्री में तो ले आए. नाउ ऑब्वियसली दे हैड टू कीप इट ऑल विद इन द इस्लामिक बाउंड्रीज, बट सम वेस्टर्न एक्सट्रीमिस्ट डिडंट लाइक इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हुआ टू डिफेम कतार, बट टू नो यूज. एंड फाइनली कम्स 18 नवंबर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ओपनिंग सेरेमनी. अ फेस्टिवल ऑफ द वेस्ट, World's greatest sporting event, commenced with a Quranic verse. Humbleness and modesty of Islam दुनिया के कोने कोने में पहुंची, especially वहाँ जहाँ इस्लामोफोबिया अब फल फूल के एक मॉन्स्टर बन चुका था. और यही था कतार का और कतार के अमीर का विजन. कतार has done what no other Muslim country had done before. वैसे तो recently UAE hosted the Expo in 2021 and they could do the same, लेकिन शायद they were too busy in glorifying themselves. ये शायद उनकी प्रायोरिटीज एंड इंटरेस्ट कुछ और हैं. There's a lot to learn from Qatar here. A small country proved कि strong vision से unthinkable को achievable बनाया जा सकता है. जरूरी नहीं कि जीतने के लिए जंग ही लड़ी जाए. अपना पॉइंट ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है, अपनी स्ट्रेंथ ऐसे भी दिखाई जा सकती है, और ऐसी जीत ज्यादा लाउड होती है. Please share your views as well in the comments, and we would love to talk about the most interesting ones in our future videos. Video अच्छी लगी हो तो like करें, share करें और channel को subscribe करें. And if you want us to make a video on your desired topic, do not hesitate and write it in the comments. So until next time, look after yourself and your loved ones. Adios.